हरे कृष्णा। सो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था जो कि आप लोग दर्शन किए थे वृंदावन में, यमुना महारानी के पानी कितना भर गए थे। तो अभी जो स्थिति है मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन है वृंदावन के, स्पेशली जो वृंदावन में यमुना जी के तट पे वास करते हैं, तो उसका आपको अभी दर्शन करवाऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ दर्शन कीजिए। जहाँ तक मेरे अभी खबर है, अभी भी वृंदावन में जो मार्ग है, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, सब में ऑलरेडी पानी चले गए हैं, तो आप लोग दर्शन कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ दर्शन कीजिए। जय श्री राधे। तो शुरुआत से मैं मेरे घर से घर दिखाता हूँ स्थिति कैसा है। तो ये जो घर का स्थिति है, तो आप देखिए यमुना महारानी की पानी इधर तक आ गए हैं, इधर तक पानी आ गया है। ये जो यमुना महारानी का पानी है इधर तक आ गया है, और आप देख पा रहे कितना भयानक रूप ले लिया यमुना महारानी, जो कि अभी तक खबर है जो परिक्रमा मार्ग कालीदेह के सामने, परिक्रमा मार्ग और बिहारी जी के सामने, मदन मोहन के सामने पानी चले गए, मतलब परिक्रमा मार्ग में ऑलरेडी पानी हो गए। और इधर से केसी घाट के शुरू करके आपको पानी घाट चौड़ाया जो भी है, सब पानी के अंदर ही है, ऐसे तक अभी खबर आ गए। तो ये देखिए ये जो स्थिति, सब पानी चले गए। तो आपको ये भी दिखाएंगे, देखिए सब भक्त लोग, वृंदावन वासी लोग, सब लोग अपने अपने घर छोड़ के जाने लगे, अपने अपने घर छोड़ के नाव में सब सामान लेके निकल पड़े। तो ये वृंदावन, तो इधर से आप देख रहे यमुना महारानी के पानी कहाँ कहाँ पे बह गए। यही जो रास्ता है, यही रास्ता से यमुना महारानी के पानी बहुत दूर दूर तक चले गए, अंदर चले गए, जो कि बहुत ही भक्तों लोगों के घर में पानी चले गए, और वो लोग बहुत ही मुसीबत में, अभी बहुत संकट में हैं। तो मैं आपके लिए ग्राउंड लेवल पे आ गया हूँ, तो मैं आपका वो पूरा दर्शन करवाऊँगा नीचे से। तो ये है जो रोड, मजा आ रहा है ना। सुबह 7:05 है, तो सभी भक्तों लोग अपने अपने तैयारी में हैं। और ये है दूसरे साइड में, जो कि मदन मोहन के मंदिर, इधर से दर्शन होते हैं। तो इधर ही बहुत सारे पानी इधर जम गए हैं, और उधर आप देख पाएंगे सामने पार्किंग थे, तो पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ भी थे, तो वो भी डूब चुके हैं ऑलरेडी। तो एक है, हम अभी एकदम यमुना के तट पे आ गए हूँ, तो मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। बोलो यमुना महारानी की जय। तो सभी लोगों से, सभी लोगों के लिए प्रार्थना है, सब लोग सुरक्षित रहे, कृष्ण कृपा करे, राधा निरक्षा करे।